तो हाय गाइस, आप देख रहे हो उसके ऊपर। आज हम बात करेंगे WWE लाइव पेपर व्यू इवेंट एलिमिनेशन चेंबर के बारे में। इसके बारे में पैट मैकाफी कहते हैं कि ये पूरा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ एलिमिनेशन चेंबर है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी प्रिडिक्शन। तो नंबर वन पे मैच होगा रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग, स्पियर वर्सेस स्पियर, द लेजेंडरी मैच, ड्रीम मैच, रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग। ये मैच ऑफ कोर्स बैटिंग ऑड्स में रोमन रेंज जीते, लेकिन इस मैच के ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत आने वाले, क्योंकि अगर गलती से ब्रॉक लेसनर ने इसमें इंटरफेयर कर दिया तो रोमन रेंज को अपनी चैंपियनशिप हथे चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर रोमन रेंज ने किसी भी हालत में गोल्डबर्ग को पिन कर लिया तो वो ऐसे चैंपियन बन जाएगा जिसने हर एक यूनिवर्सल चैंपियन को हराया। लेकिन इस मैच में बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न होगा, इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही है, क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर ने इंटरफेयर किया तो सीधा रोमन रेंज हारेंगे या फिर रोमन रेंज जीतेंगे। मेरी प्रेडिक्शन होगी ये मैच रोमन रेंज ऑफकोर्स जीतेंगे, ये होगी मेरी प्रेडिक्शन। बैटिंग ऑड्स में भी उनके -2000 बैटिंग ऑड चल रही है, ये मैच ऑफकोर्स रोमन रेंज जीतेंगे, ये होगी मेरी प्रेडिक्शन। और सेकंड मैच एक टैग टीम मैच होगा सोनिया डेविल्स और चार्लोट फ्लेयर वर्सेस रोंडा रोसी वर्सेस नियोमी, ये मैच ऑफकोर्स रोंडा रोसी और नियोमी जीतेगी, क्योंकि उनको रेसलमेनिया के लिए स्ट्रॉन्ग दिखाना है, इसलिए ये मैच ऑफकोर्स रोंडा रोसी और नियोमी जीतेगी, होगी प्रेडिक्शन। और फिर नेक्स्ट मैच है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस मैट कैप मॉस, बैरन कॉर्बिन इस मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर किसी भी हाल में ये मैच जीतेंगे, क्योंकि बैटिंग ऑड्स -250 है और मैट कैप मॉस के 150 प्लस है, इसलिए ये मैच ड्रू मैकइंटायर जीतेंगे, ये हो गया प्रिडिक्शन। और फिर मैच है अपने 619 रे मिस्टोरियो वर्सेस द मीज, ये मैच ऑफकोर्स रे मिस्टोरियो जीतेंगे, क्योंकि उनके बैटिंग ऑड्स -550 है और मिज के 250, ये मैच ऑफकोर्स रेमिस्टर जीतेंगे, क्योंकि अगर फिर भी मिज की वाइफ इंटरफेयर करेगी फिर भी ये मैच ऑफकोर्स रेमिस्टर जीतेंगी, ये होगी मेरी प्रिडिक्शन। और फिर मैच होगा रॉ वुमन चैंपियन बेकी लिंच वर्सेस द लेजेंड लीटा, ये मैच ऑफकोर्स बेकी लिंच जीतेगी, क्योंकि लीटा ने एक इंटरव्यू टीज कर दिया कि ये उनका लास्ट वन टाइम मैच है WWE के साथ, ये उनके बाद आगे कोई ये नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए ये मैच ऑफकोर्स बेकी लिंच जीतेंगी, क्योंकि उनके बैटिंग ऑड्स भी -250 चल रहे हैं और लीटा के +160, ये मैच ऑफकोर्स बेकी लिंच जीतेगी। फिर होगा रेसलमेनिया के रॉ वुमन चैंपियनशिप के क्वालिफायर मैच, ये मैच बियांका ब्लेयर, एलेक्सा ब्लीज, ली मॉर्गन, निकी एच, रिया रिप्ली और ड्यू ड्रॉप के बीच में होगा, ये मैच ऑफकोर्स बियांका ब्लेयर जीतेंगे, क्योंकि उनके बैटिंग ऑड्स -2000 है, ये मैच उनके बाद है एलेक्सा ब्लीज -3600 के साथ, उनके बाद है लिव मॉर्गन, फिर अड्डू ड्रॉ, फिर इनके आए, फिर रिया रिप्ली, ये मैच रिया बियांका ब्लेयर जीतेगी, ये हो गई प्रिडिक्शन, क्योंकि उनके बैटिंग ऑड्स माइनस में चल रहे हैं अभी भी। और फिर मैच है द वाइकिंग राइडर वर्सेस द ब्लड लाइन उसोस के, ये मैच ऑफकोर्स द ब्लड लाइन उसोस जीतेंगे, क्योंकि उनको असल में न्यू डे के साथ फेस कर रहे हैं, ये मैच उनका लॉक हो चुका है, इसलिए ये इस एलिमिनेशन चेंबर उनका फिलर मैच है, इसलिए ये मैच ऑफकोर्स द उसोस ब्लड लाइन जीतेंगे, ये हो गई प्रिडिक्शन। लास्ट में होगा मैंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, WWE चैंपियन बॉबी लैशली, ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस, एज स्टाइल्स, ऑस्टिन फ्यूरी, रिडल, ये इनके बीच में होने वाला है, इस मैच के जीतने के पूरे पूरे चांसेस ब्रॉक लेसनर के, लेकिन साथ में बॉबी लैशली, एज स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस, रिडल, ऑस्टिन फ्यूरी, उनके साथ भी बैटिंग ऑड्स में है, ब्रॉक लेसनर के बैटिंग ऑड्स -1350 चल रहे हैं, और इसके बाद है बॉबी लैशली, फिर सेथ, फिर एज स्टाइल, फिर है रिडल, फिर ऑस्टिन थ्यूरी, ये मैच ऑफकोर्स ब्रॉक लेसनर जीतेंगे या नहीं लेकिन पता नहीं, लेकिन ब्रॉकले WWE का प्लान है कि इनको चैंपियन से चैंपियनशिप मैच करना है, लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर जीते तो या फिर रोमन रेंज उनको अपनी चैंपियनशिप सेक्रीफाइस करनी होगी फर्स्ट मैच में, या फिर ब्रॉक लेसनर या फिर जीत गए या फिर हारेंगे, ये तो भी प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल मैच है ये पूरा, ये मैच ऑफकोर्स किसी भी टर्न पर चेंज हो सकता है, फिर बॉबी जीत सकते हैं, फिर ब्रॉक लेसनर जीत सकते हैं, या फिर सेथ रॉलिंस बन सकते हैं न्यू चैंपियन, या फिर एजे स्टाइल सीधा जाके चैंपियन बन के एजे एज को एज के साथ मैच कर सकते हैं, या फिर सेथ रॉलिंस बॉबी लैशली के साथ, या फिर बॉबी लैशली जॉन सीना के साथ मैच हो सकता है, ये मैच पूरा अनप्रेडिक्टेबल है, ये एंडिंग मोमेंट पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन होगी ये मैच ब्रॉक लेसनर शायद जीत सकते हैं, ये होगी मेरी प्रिडिक्शन।